हेलो दोस्त, मैं हूं पिनाकी। मेरा चैनल विशेष टेक इंफो में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लाया हूं टेक्नोलॉजी से जुड़े लेटेस्ट न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं आज का टेक न्यूज। चाइनीज स्मार्टफोन मेकर ओप्पो ने एक नया फ्लैगशिप कैटेगरी का स्मार्टफोन ला रहा है, जिसका नाम होने वाला है फाइंड एक्स। ओप्पो की तरफ से ये फोन फर्स्ट 5G फोन होने वाला है। इस फोन में आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर, 12GB रैम और 10x ऑप्टिकल जूम। ये फोन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2019 में लॉन्च होने वाला है। इंडिया में इसका प्राइस होने वाला है करीब 60,000 के आसपास। ओप्पो का फाइंड सीरीज ये फ्लैगशिप कैटेगरी का फोन, तो इसका प्राइस तो ज्यादा ही रहेगा। वर्ल्ड का सबसे यूज्ड मिसिंग सर्विस है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में अब बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आ रहा है, मतलब व्हाट्सएप बहुत सिक्योर होने वाला है। फेस रिकॉग्निशन या टच आईडी से आप इसको अनलॉक कर सकते हो व्हाट्सएप को, मतलब व्हाट्सएप आपके सिवा और कोई उसको ओपन नहीं कर सकता है। इस अपडेट का वर्जन होने वाला है 2.19.20.19। ये सिर्फ iOS के लिए आया है, कुछ दिन में ही ये एंड्रॉइड के लिए भी आ जाएगा। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होने वाला है। व्हाट्सएप पूरा फुल सिक्योर हो गया है, आपके सिवा कोई और व्हाट्सएप को ओपन नहीं कर सकते। बहुत ही अच्छी बात होने वाला है। सैमसंग का फोल्डेबल फोन आ रहा है, उसका एक टीज एक्सीडेंटली वेबसाइट में आ गया है, आप देख लीजिए ये टीज। सैमसंग भी अब पॉपअप सेल्फी कैमरे वाला फोन ला रहा है। सैमसंग की अब ए सीरीज में अब जो फ्रंट फेसिंग कैमरा वो पॉपअप होने वाला है। अल्फा सीरीज का जो A9, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। ये अल्फा सीरीज का और भी एक खासियत है, इस फोन में आपको नॉच नहीं, वाटर ड्रॉप नहीं, पंच होल वाला नहीं, फुल व्यू डिस्प्ले आपको मिलेगा, मतलब एज टू एज डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा ये डिस्प्ले होने वाला है। और भी खासियत के साथ ये फोन आ रहा है, देखते हैं ये एक्चुअली सैमसंग पॉपअप कैमरा कैसे लाता है। कुछ दिन पहले आसुस का ज़ेनफोन मैक्स प्रो M2 लॉन्च किया था, उस फोन में आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिला था एंड्रॉइड ओरियो। आप इस फोन में एंड्रॉइड पाई मिलना शुरू हो गया है, स्टेप बाय स्टेप सभी को ये अपडेट मिल जाएगा। शाओमी ने लॉन्च करने वाला है एक न्यू स्मार्टफोन, जिसमें आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर। लेकिन इस फोन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चला, सिर्फ 855 इसमें मिलेगा ऐसा ही कुछ पता चला। पिछले जो रूमर आया था उन्होंने बोला इस फोन का मॉडल होने वाला है रेडमी एक्स, लेकिन शाओमी कॉरपोरेशन ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है रेडमी एक ऑलरेडी इंडिपेंडेंट सब ब्रांड हो गया है। तो ये फोन का बारे में ऐसा ही कुछ पता चला है। शाओमी का स्नैपड्रैगन 855 वाला प्रोसेसर कौन सा फोन है अभी तक कुछ पता नहीं चला, सिर्फ यही पता चला है शाओमी एक 855 वाला फोन ला रहा है। चाइनीज स्मार्टफोन मेकर कूलपैड कुछ साल पहले 3 नया सेट लॉन्च करके स्मार्टफोन मार्केट में बहुत अच्छा नाम कमाया था, लेकिन वो कंपनी बीच में वो स्मार्टफोन बंद कर दिया था। लेकिन वो कूलपैड कंपनी ने एक नया फोन लॉन्च करने वाला है 5 फरवरी को, जिसका नाम है कूलपैड कूल 3। इसमें आपको मिलेगा 6.3 इंच HD प्लस IPS डिस्प्ले। इसमें आपको MediaTek या स्नैपड्रैगन प्रोसेसर क्या मिलेगा इसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं चला। इसमें आपको हीलियो P23 या MediaTek की 6739 ये आपको मिल सकता है। और इसमें आपको बैक की तरफ डुअल वर्टिकल कैमरा यहाँ पर आपको मिलेगा, फ्रंट पे आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा सेल्फी शूटर मिलेगा। और इसमें आपको डुअल 4G VoLTE, फेस अनलॉक एंड आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड पाई आपको मिलेगा। इस फोन का प्राइस होने वाला है ओनली 6000। तो ये फोन Realme C1 एंड Redmi C को टक्कर देने वाला है। एक बहुत ही बुरी न्यूज है आपके लिए। मुंबई के एक नौजवान जो कुर्ला के अहमदनगर में रहते हैं, उसका नाम है नदीम, उन्होंने आत्महत्या कर लिया है। क्यों? उन्होंने सिर्फ PUBG गेम खेलने के लिए 37,000 की मोबाइल मांगा था फैमिली से। फैमिली वाला उसको 20,000 रुपया दिया था, लेकिन उन्होंने ये 37,000 ही उसका डिमांड था। ये तो बहुत ही बुरी बात है, PUBG गेम के लिए 37,000 मोबाइल, फैमिली वाला 20,000 रुपया दिया था, इसके बावजूद भी उन्होंने आत्महत्या कर लिया है। ये तो बहुत ही बुरी संकेत होने वाला है हमारा जो नौजवान पीढ़िया है, ये तो बहुत ही बुरी संकेत है। प्लीज आप PUBG गेम
पबजी गेम खेलिए, देखिए मैंने मना नहीं करूंगा, लेकिन पढ़ाई के ऊपर, आपका फ्यूचर के ऊपर, आपका जो पापा मामी है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। आपका जो फ्यूचर बर्बाद आप क्यों कर रहे हैं? गेम भी खेलिए, पढ़ाई भी कीजिए, आपका फ्यूचर के ऊपर ध्यान भी दीजिए। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा मेरा चैनल की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट है, आपका फ्यूचर के ऊपर ध्यान दीजिए। तो दोस्त आज के लिए टेक न्यूज यही खत्म करते, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे रहिए, खुश रहिए, सत्यमेव जयते।